हार गई, उसका प्लान फेल हो गया, बर्दाश्त नहीं कर सकी, पागलपन का दौरा पड़ा और बस उसी चक्कर में ऐसे बौखला गई है, पागल हो गई है। तो पापा आए हमेशा की तरह संभालने, पीछे पीछे रंजना जी आ गई हैं संभालने, और उनसे पीछे आई हैं मेरी भाभी जान शकुर। मैं इनका हाल पूछ रही, तब तक ये सो चुकी हैं, तुम कोई मतलब नहीं मिला। फिर मैं और मेरे प्यारे ससुर जी हम आपस में बहुत प्यार है आपस में। बहुत प्यार, कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, चकोर कमलनाथ। तो बहुत प्यार है इसलिए हम आपस में से झगड़ते रहते हैं, मैं उनका बीपी हाई करा के जाती हूँ और चली जाती हूँ। ये जो यूजुअल है हमेशा, हम प्लान करते हैं हम तीनों, फिर बाद में हम फेल होते हैं, हम बेवकूफ़ करके वहाँ ताली बजाते हैं, आते हैं, निकल जाती है। और ये हमारी जो बच्ची है ना, ये टेलीविजन की नाना पाटेकर है, साइकोटिक जो है। ये कितनी बड़ी बात बोली तुझे सर ने, बहुत बड़ी बात है। मैं पिछली बार जब सर ने ऐसे बोला था तो मैं ऐसी हो गई थी कि सर क्यों ऐसे कर रहे हो, सीरियस है ना, बहुत बड़ी बात, अच्छा सीन किया। सूरज से मुझे डे वन से प्रॉब्लम है, तब सूरज के साथ मुझे विवान से भी प्रॉब्लम है, विवान के साथ मुझे इमली से, चकोर से, मतलब मुझे रागिनी, मतलब उसको सबसे प्रॉब्लम है, उसको सबको मारना है। वो जिसको प्यार करती है बस उन्हीं को अपने साथ देख सकती है, वो सिर्फ पापा हैं और रंजना माँ हैं, उसके अलावा वो दुनिया जहान को मार दे, वो उसका बस चले तो वो रंजना माँ यार कैरेक्टर में, रंजना माँ मतलब कैरेक्टर वाला निकला ना, रंजना जी को और इसके पिताजी पास मां नहीं है, ओके ना दामिनी है ना तेजस्विनी है। तो रंजना, अच्छा इसका बैकग्राउंड आप लोग नहीं जानते, ये जो बेटी रागिनी है ये मेरे पहले प्यार का नतीजा है, ना तेजस्विनी से है, रंजना से है, ना किसी से नहीं। कौन है वो तुम्हारी माँ का नाम क्या है? दामिनी। दामिनी, अब पता नहीं कौन है ये दामिनी, देखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि तो टेक्निकली मैं तो इसकी माँ नहीं, तुम भी नहीं हो ना, तेजस्विनी है, कोई नहीं है ये, इसको पता नहीं अब कहाँ से क्या कहाँ गए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ आप जाते हो अभी, मुझे तो पता है कोई और भाई बहन। बच्चों में सबसे ज्यादा इसी से प्यार करते हैं इस बच्चे, तुम मेरी तो बच्ची कहाँ से हो, तुम तो मेरी दुश्मन हो, बहू मैं आपकी बहू, हाँ दुश्मन हो। बचपन के, मेरा बचपन खत्म कहाँ हुआ, मैं जब से फरवरी में शो में आई हूँ तब से भाग ही रही हूँ। मेरा बचपन खत्म नहीं हुआ। वो भाग रही है, पीछे हम भाग रहे हैं। हाँ पीछे सर भागते रहते हाँ। मेरे तो मैं नहीं चाहती कि मुझे और भागना पड़े, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है धूप में भागना, और वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसे तकलीफदायक होता है, तो जितना अवॉइड किया जाए। जिम नहीं जाना पड़ेगा। हाँ सही बात है। कितनी केयरिंग है ये मेरे लिए। एग्जैक्टली। तभी तो आप भाग लेना, जिम छोड़ देना। अच्छा। तुम देना तेरा ये ना। हाँ। वर्कआउट हो जाएगा। या वर्कआउट यही होता है। जब परिवार ऐसा हो फिर और किसको क्या चाहिए? अच्छा वैसे कमल नारायण ने फोन करके बोला है वो यहाँ कुछ प्लान चल रहा है, आप लोग देखिए, बहुत कमाल का प्लान है, क्योंकि इसके रहते मैं सूरज के साथ कुछ नहीं कर सकता, तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। प्लान यही है, ये यहाँ से दिल्ली गई है, उसके बाद जो भी करूँगा सूरज के साथ इसके एब्सेंस में, क्योंकि सूरज के बस की तो वैसे भी कुछ नहीं है, ये तो हमें पता ही है। तो चकोरियों से बचाती है, तो चकोर इसी को गोली मार दो, आग लगानी है इसी को, सूरज को हम देख लेंगे। ये मुझे आग लगाने की बात कर रही है, वो गंदी जो सिस्टर इन लॉ होती है वो ऐसे जला देती है भाभी को। ये नेशनल टेलीविजन पे आप देखिए, ये ननद भाभी को जलाने की बात कर रही है। एक औरत दूसरी औरत के बारे में क्या बात कर रही है, देखो।